कुछ अपडेट्स है उसमें सारे में, जस्ट थिंग्स आर गेटिंग हीटेड अप, बहुत जल्दी बहुत कुछ होने वाला, हमारे लिंक्स आने वाले हैं, बहुत कुछ जो यूजर बेस है, अगर सारे वेबिनार का हम एक ही सवार निकालें, बहुत सारा बड़ा जो नए यूजर्स हैं वो बीच में आने वाले हैं, और ये मिस्टर एश ने भी कंफर्म किया है, और ये बहुत कुछ बड़ा हो रहा है वहाँ पे, सो इसीलिए वो एक बहुत एक्साइटिंग बात है, चीजें हमारे पास आने वाली हैं सारे के सारे, बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो वो तो सारे अपडेट्स है, बट इसमें हम दो चीजें कवर करेंगे इस छोटी सी क्लिप में, कि जो कि मैंने भी एश को क्वेश्चन पूछे थे ये वाले, तो जो हम सबके लिए वो चीज मैटर कर रही है, हमें वो चीजें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी, इसीलिए मैं ये थोड़ा अलग से एक मैसेज आप सबके लिए बना रहा हूँ यहाँ पे, कि सबसे पहले तो एक जो हमारा जो कैंसल सब्सक्रिप्शन वाला जो ऑप्शन है वो, और एक जो हमारा ट्रेडमार्क है ऑन पैसिव, उसको आपने कैसे यूज करना है, तो ये दोनों चीजें इसमें डिस्कस करेंगे छोटे से क्लिप में, कि सबसे पहले तो जो सब्सक्रिप्शन वाला है ऑप्शन जो हमारे बैक ऑफिस में ओ फाउंडर में हमारे प्रोफाइल के अंदर है, प्लीज इसको क्लिक मत करिए, ये मैंने भी एश के साथ कंफर्म किया, कंफर्म किया, मैंने तो ये बोला था कि जिन लोगों ने उनको क्लिक कर लिया है कैंसल मेंबरशिप वाले बटन को, तो प्लीज हम बेनिफिट ऑफ डाउट समझते हुए उन लोगों को प्लीज फिर से दोबारा फाउंडर बनाने की हम कोशिश करें, मैंने रिक्वेस्ट की थी एश से लाइव वेबिनार में, बट उन्होंने आउटराइट इसको मना कर दिया कि नहीं, जिन्होंने क्लिक गॉन एंड डन, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ऐश एक अलग मूड में है अभी ऑन पैसिव को लॉन्च करने के लिए, इसलिए ये जो हम गलतियां करते हैं बिना जांचे परखे समझे पूछे बगैर हम कुछ कर देते हैं, तो उनके लिए ऐश कुछ नहीं करने वाले, उन्होंने बिल्कुल रिक्वेस्ट को मना कर दिया ये कि जिन्होंने क्लिक कर लिया वो गए तो गए, वो इन्फॉर्म्ड नहीं है, डन, वो हम उनको नहीं लेंगे, ओके, सो इसलिए प्लीज बी केयरफुल, वो जस्ट अगर आप श्योर हो बिल्कुल बहुत श्योर हो कि नहीं मुझे ऑन पैसे में नहीं रहना, तभी इसको क्लिक करिए, और तभी आपका मतलब कि वो रिफंड हो जाएगा, वो तो कोई बात है, बट जो फाउंडर बने रहना चाहते हैं प्लीज उसको भूल के भी क्लिक मत करना, ओके, ये बहुत ध्यान रखना इस बात को, ओके, सो पहली बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि हमारे जितने भी चीजें अभी जैसे सब्सक्रिप्शन पैकेजेस वो तो आएंगे सारे, प्लस उसके साथ हमारे साथ बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, जो कि एक प्रोटोकॉल मिस्टर एश ने जो हमारा ट्रेडमार्क है उसके बारे में क्लियर किया, ये भी मैंने क्वेश्चन पूछा था मिस्टर एश को, और उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से इसका आंसर दिया कि कोई भी हमारा ट्रेडमार्क ऑन पैसे यूज नहीं कर सकता, मैंने क्लैरिटी के लिए पूछा था उनको इसीलिए, क्योंकि जब उन्होंने वेब चलते वेबिनार में ये बोला था तो मैंने क्वेश्चन पूछा था बाद में सबसे एंड में कि क्या इसके क्राइटेरियाज हैं, कौन इसको यूज कर सकता, उन्होंने बोला कोई भी यूज नहीं कर सकता, सो प्लीज आपने जिसने भी आपके नाम के आगे जैसे ऑन पैसे फॉर एग्जांपल मैंने तो चलो नहीं लिखा है बट एग्जांपल तौर पे अगर मैंने अपने फेसबुक प्रोफाइल में भी लिख लिया कि ऑन पैसे गुरसमेंदर डिलन तो प्लीज वो ऑन पैसे काट दीजिए, अपनी आइडेंटिटी रखिए, अपना नाम रखिए, ऐसे ही आपके यूट्यूब चैनल्स में भी जो है अगर ऑन पैसे फलाफना चैनल रखा तो प्लीज ऑन पैसे उसमें काट दीजिए, अपना नाम रखिए वहां पे, ओके, ऐसे ही हमारे जितने भी फेसबुक के ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें भी ऑन पैसिव इंडिया, ऑन पैसिव बांग्लादेश, ऑन पैसिव ये या ऑन पैसिव ये व्हाटएवर, वो भी हम सारे के सारे उनको रिमूव करें बहुत जल्दी, क्योंकि मिस्टर एश ने बोला कि ये बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हैं और हम लोग ट्रबल में आ सकते हैं इसमें, सो प्लीज ये थोड़ी सी चीजें, इसलिए मैंने ये क्लिप आपको बना के दिया, इन चीजों को सब मिटा दीजिए वहां से, और एश ने बोला कि ओरिजिनल रहिए, अपना नाम ही आपका ब्रांड नेम है बेसिकली, तो उसमें बेसिकली वो चीज को यूज करिए, ओके, ये दोनों चीजें, एक सब्सक्रिप्शन वाला कैंसल वाला बटन वो बड़ा ध्यान से यूज करिए, जो फाउंडर रहना चाहते हैं प्लीज वो तो बिल्कुल उसको टच ही मत करें, ओके, जो रिफंड लेना चाहते हैं यस एब्सोल्युटली वो इमीडिएटली जाके उसको दबाइए और अपना रिफंड लीजिए, ओके, एनीवेज तो ये जो ऑन पैसिव का ट्रेडमार्क हमने कैसे यूज करना है प्लीज वो सारे के सारे हम अपने नामों के आगे से जिन जिन लोगों ने ऐसे किया है तो वो प्लीज उसको मिटा दीजिए, ये एश ने बिल्कुल क्लियर किया, एक छोटी सी क्लिप आई थिंक कुछ वायरल हो रही है मेरी, जो मैंने क्वेश्चन में पूछ रहे वो भी शायद आप लोगों ने देख चुके, उसमें भी आप क्लियरली मिस्टर एश से सुन सकते हो कि ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है, ओके, सो प्लीज बी केयरफुल ऑन पैसिव जहां पे भी हमने यूज किया है वो ट्रेडमार्क है, तो एश का एक्चुअली वही है कि वो पूछने नहीं वाले, वो सीधे मतलब कि हमें
अगर हमारे नाम के आगे है कुछ, आगे हमें पूछा जाएगा, उनको मालूम है कौन कौन है, वो वहां से देखें।